नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से हम लगातार इस YouTube चैनल पर फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए जो इंटरव्यू के दौरान उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड हम वीडियो है जो अपलोड कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी लोगों की ये मतलब हमारे पास डिमांड भी है भी आप कंटिन्यू इसी टाइप के वीडियो है जो लगातार अपलोड करते रहिए, ताकि हमें बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए ही एक वीडियो है, और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है खर्चे की एंट्री को लेके। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने इस टाइप का अगर वाउचर आपको दे दिया जाए और आपसे वाउचर देने के बाद ये बात बोली जाए कि आप हमें इस वाउचर की एंट्री है जो करके दिखाओ, अगर हमने नगद में भुगतान कर दिया है इस वाउचर का तो एंट्री किस प्रकार से होगी, अगर भुगतान करने वाला अभी बकाया पड़ा है तो किस प्रकार से एंट्री होगी, अगर हमने इसका जो भुगतान है वो बैंकिंग चैनल से कर दिया है तो हमें इसकी एंट्री किस प्रकार से करनी होगी। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, विशेषकर जो फ्रेशर अकाउंटेंट है भी हमें एंट्री किस प्रकार से करनी है और कौन से वाउचर में करनी है, किस प्रकार से लेजर क्रिएट होंगे, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक पूरा कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करो, क्योंकि आपका एक सपोर्ट, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें बहुत सारा मोटिवेशन भी देता है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वाउचर को देखते हैं। वाउचर है ये भारत पेट्रोलियम लिमिटेड का, और हमने इस भारत पेट्रोलियम लिमिटेड से हमने पेट्रोल है जो परचेज किया 5 लीटर। क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, अमाउंट कितनी भी हो सकती है, वो कोई मैटर नहीं है। बात आती है कि हम इस वाउचर की एंट्री को किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात आपको ये बात बोली दे कि अगर हमने इस वाउचर का जो भुगतान है वो कैश के थ्रू साथ के साथ ही कर दिया तो इसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें टेली सॉफ्टवेयर में कुछ लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। लेज़र हमें किस प्रकार से क्रिएट करने हैं, तो आप वाउचर को देख के पहचान सकते हो भी वाउचर हमारा, ये जो वाउचर है हमें ये पता है भी हमने भारत पेट्रोलियम से ये पेट्रोल है जो परचेज़ किया। पेट्रोल आपने किस लिए परचेज़ किया है, इसके लिए आपके पास कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, या और कोई आपके पास मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप काफ़ी सारे आपके पास व्हीकल्स है, अगर आप ये चाहते हो भी हम व्हीकल वाइज इसकी डिटेल है जो मेंटेन करना चाहें भी कौन सा बाइक है या कौन से कार के अंदर सबसे फ्यूल है जो ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो दोस्तों इसके लिए आप अलग अलग टाइप के लेज़र आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कॉमन एक बाइक है या एक ही कार आप सभी के लिए कॉमन ही आप यूज़ करते हो, तो आप एक कॉमन लेज़र भी हम क्रिएट कर सकते हैं किसके नाम से, फ्यूल एक्सपेंसेस के। या आपके पास एक कार है और एक बाइक है और दोनों का आप अलग अलग मेंटेन करना चाहते हो भी आपने कार के अंदर कितना फ्यूल पूरे साल में कंज्यूम किया और बाइक पे आपके लिए कितना फ्यूल है जो कंज्यूम किया, तो आप अलग अलग लेज़र भी क्रिएट कर सकते हो। तो दोनों हम तीनों की एंट्री हम करके देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं भी ये हमारे एक बाइक है, उस बाइक का हमने ये जो पेट्रोल है उसके लिए यूज़ किया है, तो हमें लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम एक लेज़र क्रिएट कर देंगे भी आप कर सकते हो भी मोटरसाइकिल एक्सपेंस या फ्यूल एक्सपेंसेस, इसके अंदर सारे ही आपके कवर हो जाएंगे। और ये रहेगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और GST इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको करेंगे नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरीके से हमने एक लेज़र है जो क्रिएट कर दिया। अगर आपको ये बात बोली जाए भी इसका भुगतान हमने कैश के थ्रू यानी कि नगद पेमेंट कर दिए तो इस वाउचर की एंट्री हमें किस प्रकार से करनी होगी, वाउचर पर हम जाएंगे और वाउचर पे जाने के बाद ये जो वाउचर का नंबर है इसका 6574 यानी कि जो हमें इनवॉइस मिला है यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद डेट जैसे कि 5 जून 2022 की। और यहाँ पर अभी जो हमने मोटरसाइकिल का एक जो लेज़र हमने क्रिएट किया था मोटरसाइकिल फ्यूल एक्सपेंसेस, इसको हम खाते को करेंगे डेबिट 560 रुपये से, और कैश को हम करेंगे क्रेडिट। और यहाँ पर हम जो नरेशन हमारे पास आती है इस नरेशन के अंदर हम ये डिटेल है जो यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले इस लेज़र को वापस हम कर लेते हैं ओपन, मोटरसाइकिल फ्यूल इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। वाउचर पे हम जाएंगे, पेमेंट वाउचर पे जाएंगे और 6574
मोटरसाइकिल 560 रुपये और कैश। और नरेशन के अंदर हम लिखेंगे भी हमारा जो बाइक का नंबर वगैरह है वो सारा हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, ताकि जिसे कि हम आगे कल को कोई डाटा हमारा सर्च करना पड़े तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ना हो। जैसे हमने लिख दिया हमारा RJ13, उसके बाद में जो भी हमारा 1X इस तरीके से बाइक का नंबर हमने लिख दिया और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो ये तो था हमारा, अगर हमने नगद के थ्रू इसका कैश पेमेंट कर दिया है तो साथ के साथ ही अभी तक मान लीजिए इसका जो पेमेंट का भुगतान अभी करने वाला बकाया पड़ा है, यानी कि हमारे पास इस पेट्रोल पंप के अगर हमारी कंपनी का जो अकाउंट ओपन है, हम रूटीन के अंदर उनको पेमेंट करते रहते हैं, रूटीन के अंदर हमारे इनसे फ्यूल वगैरह परचेज करते रहते हैं, तो हमें इसकी एंट्री किस प्रकार से करनी होगी। अभी तक यानी कि अब जो हम एंट्री करने जा रहे हैं वो उसकी कर रहे हैं भी, अभी तक इसका भुगतान है जो करने वाला बकाया पड़ा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जनरल वाउचर को। और जनरल वाउचर के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो वाउचर नंबर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और डेबिट तो हम वापस कर ही देंगे मोटरसाइकिल फ्यूल एक्सपेंसेस को 560 रुपये से। और अब हमें यहाँ पर ये जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है इसका एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। और इसका जो हम ग्रुप रखेंगे वो रखेंगे, चाहे तो आप इसको सैंडिक क्रेडिटर में भी रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों की कंडीशन के अंदर हमें इनको पेमेंट है जो करनी होती है। और 560 रुपये, और उसके बाद में नरेशन के अंदर हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि कौन से बाइक के थ्रू ये हमने ये जो फ्यूल है जो कंज्यूम किया था उसकी डिटेल वगैरह सारी हम नरेशन में लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों जो ट्रांजेक्शन हमने करी है, लेज़र हम कर लेते हैं मोटरसाइकिल फ्यूल एक्सपेंसेस का, एक आप देख रहे हो हमने पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करी है और एक जनरल वाउचर में पास करी है। जो पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री थी वो थी हमारी अगर कैश के थ्रू हम पेमेंट करते हैं उसके लिए, और अगर हमने अभी तक पेमेंट करने वाला बकाया पड़ा यानी कि ये उधार का एक्सपेंसेस है तो उस कंडीशन में हम इसकी जनरल वाउचर में एंट्री पास करते हैं। अब जैसे हम इसको बैंकिंग चैनल से पेमेंट करेंगे, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करें चाहे बाई चेक पेमेंट करें, तो इसके लिए वापस हम वाउचर पे जाएंगे और उसके बाद वापस फिर हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। और पेमेंट वाउचर के दौरान जैसे मान लीजिए हमने इनको चेक के थ्रू पेमेंट करी है, तो जो चेक का हमारे पास नंबर रहेगा चेक का नंबर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और अभी जो हमने लेज़र क्रिएट किया था भारत पेट्रोलियम उस अकाउंट को वापस हम डेबिट कर देंगे। और उसके बाद में जो हमारा बैंक है जिस बैंक के थ्रू हमने इनको पेमेंट करी है उस बैंक के थ्रू हम इन सभी को बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो हम जैसे एक बार हम लेज़र देखते हैं भारत पेट्रोलियम का, तो ये भारत पेट्रोलियम का लेज़र है जो बराबर हो चुका है, और उधर जो हमारा मोटरसाइकिल फ्यूल एक्सपेंसेस था तो वो हमारा डेबिट रहना ही रहना है। तो अगर आपका ये बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो आपको ये कैश पेमेंट की एंट्री है जो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मतलब रूटीन के अंदर पेमेंट उनको करते रहते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको कंपनी का जो लेज़र है क्रिएट करना पड़ता है, ताकि आपको पता नहीं चलेगा अभी आपने कितनी पेमेंट इनको कर चुकी हो, कितना फ्यूल वहाँ से अभी तक आपके पास आ चुका है आपके कार के लिए आपके बाइक के लिए। तो जैसे जैसे आपके पास इस टाइप के इनवॉइस आते रहेंगे आप उन इनवॉइस के जनरल वाउचर में हम एंट्री करते रहेंगे, और जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे जैसा कि अभी हमने पेमेंट करी थी भारत पेट्रोलियम की पेमेंट वाउचर में जाके, इस टाइप से रूटीन के अंदर इनको पेमेंट है जो कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी पेट्रोल हमारे पास पूरे मंथली के अंदर मान लीजिए 10,000 रुपये का फ्यूल आ चुका है और राउंड फिगर मैंने कभी उनको 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी, कभी 8,000 रुपये की पेमेंट कर दी, तो जो डिफरेंस है वो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के अकाउंट के अंदर बोलता रहेगा, चाहे वो डेबिट का बैलेंस रहे चाहे वो क्रेडिट का बैलेंस रहे। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।